दोस्तों हम आज एक सॉन्ग सीखेंगे, फिर भी तुमको चाहूंगा, फ्रॉम द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। काफी पॉपुलर सॉन्ग है, काफी इजी है। इसके टैब्स ओनली एक सिंगल स्ट्रिंग पे आ जाएंगे ये, और बिगिनर्स लोग के लिए काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट गाना है और काफी पॉपुलर भी हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गिटार ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि गिटार टैब्स बजाने के लिए आपको एक गिटार प्लेक्ट्रम की जरूरत होती है, या फिर गिटार पिक भी कह सकते हैं इसे। और अगर आपके पास ये नहीं है, या फिर आप अपनी पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड गिटार पिक बनाना चाहते हैं, तो उसका भी मैंने एक वीडियो किया है, आप घर पे कैसे बना सकते हैं उसके लिंक्स मैंने नीचे दे दिए हैं, वहाँ जाके देख लीजिए। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी और भी वीडियो किए हैं, जैसे कि बारिश सॉन्ग हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से सिंगल स्ट्रिंग पे, हारिया सॉन्ग मेरी प्यारी बिंदु फिल्म से वो भी सिंगल स्ट्रिंग पे किया है, पानीदार रंग, मैं सारे सॉन्ग सिंगल स्ट्रिंग पे करता हूँ ताकि बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो। सो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाइए। मैं और अच्छे अच्छे सिंगल स्ट्रिंग वीडियोस करते रहूँगा जो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे भी आपको ऊपर स्लो मोशन दिखे, मीन्स मैं स्लो प्ले कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पर आपको जो ओरिजिनल सॉन्ग में यूज़ हुआ है वैसे ही प्ले करना है। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही फिंगर से प्ले करूंगा, आपको अपनी सारे फिंगर यूज करनी है, ऐसे हम गिटार बजाने में प्ले करते हैं। सो जो फर्स्ट लाइन है, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, वो मैं आपको एक बार स्लो प्ले करके दिखाऊंगा, फिर आपको टैब्स बता दूंगा। आप कोई भी स्ट्रिंग पे बजा सकते हैं, मैं बी स्ट्रिंग पे, मतलब सेकेंड स्ट्रिंग पे बजा रहा हूँ मैं। सो आप कोई भी चूज कर लीजिए। और ये मैंने स्लो प्ले की है, आपको ओरिजिनल स्पीड पे प्ले करनी है। इसके टैब्स है 4 4 6 4 6 6 4 6 7 6। सो ये थे इसके टैब्स। सो जो हमारी सेकेंड लाइन है, कल शायद ये आलम ना रहे, मैं एक बार स्लो प्ले करके दिखाया था आपको, फिर आपको टैब्स बता दूंगा। सो ये थी ये लाइन। मैंने अभी एक ही फिंगर से प्ले किया, आपको फुल हैंड से प्ले करना है और अच्छी स्पीड पे प्ले करना है इस लाइन को। सो इसके टैब्स है 6 14 14 13 11 9 6 7 6 7। सो ये थे इसके टैब्स। फिर उसके बाद एक लाइन है, कुछ है ऐसा हो तुम ना रहो। सो उस लाइन के मैं आपको स्लो प्ले करके दिखाता हूँ। थी इसके टैब्स है 4 4 6 7 6 4 4 6 9 7 7। सो ये थे इसके टैब्स। फिर मैं जो आपको इसके पहले लाइन बताई थी, ऊपर मैं फ्लैश हो रही होंगी आपको कौन सी लाइन बता रहा हूँ मैं, जो इसके पहली बताई थी मैंने। सो आपको वो फिर से प्ले करना है एक बार, सो फिर आपका एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक लाइन आएगी, रास्ते अलग हो जाए। सो मैं बस स्लो प्ले करके दिखाया था आपको, फिर आपको टैप्स बता दूंगा। सो इसके टैब्स है 9 9 7 6 4 2 4 6। आपको पर फ्लैश हो रहे होंगे टैब्स। फिर इसके बाद एक और लाइन है, चलते चलते हम खो जाए, मैं आपको स्लो प्ले करके दिखाया था एक बार। सो इसके टैब्स है 6 10 10 11 13 16 16 14 14। सो ये थे इसके टैब्स। फिर हमारे गाने की जो मेन लाइन आती है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, वो एक बार स्लो प्ले करके दिखाता हूँ, बाद में आपको मैं टैप कर दूंगा। सो इसके टैप्स है 11 14 16 13 13 9 11 13। सो ये लाइन थी। इसके बाद भी सेम लाइन है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, बस आखिरी में थोड़ा वेरिएशन आएगा। सो मैं आपको एक बार स्लो प्ले करके दिखाया था, बाद में बता दूंगा। सो इसके टैब्स है 11 14
14 पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक रुक जाएंगे, आप पिछले बार भी ऐसे कर सकते। 16 13 13 11 7 6। सो यहाँ पे हमारा गाना खत्म हो चुका है, पर अगर आपको एकदम यहाँ प्ले करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है तो मैं आपको एक ईजी वे बताऊंगा। हम अभी सेकेंड स्ट्रिंग के बजा रहे थे, जो लास्ट दो लाइन है मैं फिर भी तुमको चाहूंगा दो लाइन्स है, वो आप इस स्ट्रिंग पे भी बजा सकते हैं। थोड़ा टैब्स चेंज, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको बजा सकते हैं आप, थोड़े टैब्स चेंज हो जाएंगे, मैं आपको बता रहता हूँ। सेम सीक्वेंस सेम रहेगा, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। सो उसके आपको टैब्स बताया तो मैं एक बार आप यहाँ बजा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे भी ठीक है, सेम साउंड होगा। 6 9 11 8 8 4 6 8। सो ये टैब्स, फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा थोड़ा सा वेरिएशन के साथ, उसके टैब्स है 6 9 11 8 8 6 2 1 यहाँ पे 6 2 1। सो यही पे हमारा गाना खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस करता रहूंगा जो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।